बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर काजी मसरूर अली है और मैं कायदे मेडिकल कॉलेज PVH भावलपुर में एज अ प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन काम करता रहा हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि वायरल हेपेटाइटिस की बीमारी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। हम दुनिया के उन 10 मुल्कों में शामिल हैं जिनमें सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस पाई जाती है। बी और सी के फैलने की वजूहात बड़ी वाजे और बहुत ज़्यादा जगह पर लिखी जा चुकी है, यानी ये उस खून से फैलता है जिसकी स्क्रीनिंग की गई हो, जहाँ तक इसकी अलामत पता हो तो तकरीबन 50 से 80% लोगों को इसकी अलामत होती नहीं बी और सी की, इसीलिए इसका नाम साइलेंट किलर रखा गया। जहाँ तक इसकी तशीस का ताल्लुक है, हम इसको स्क्रीनिंग कर सकते हैं, हम PCR करवा सकते हैं, हम अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, हम बाकी तमाम टेस्ट करवा सकते हैं। हेपेटाइटिस का इलाज एक गोली से रोज़ाना लेने से 3 महीने तक इलाज करें तकरीबन 99.5% में मरीज ठीक हो जाता है। बचाव के लिए जब भी हमने अपने आप को ब्लड लगवाना है, किसी अजीज़ को ब्लड लगवाना है, मरीज़ को ब्लड लगवाना है, तो हमें चाहिए उसकी हम बी और सी की जाँच करवाएं। मेरा ये मैसेज है कि मैं अगर एक डॉक्टर हूँ तो मुझे चाहिए जितने मरीज मेरे पास आए मैं उनके हर एक को बी और सी के लिए स्क्रीन करवा दूँ और तशखीस हो जाए तो इलाज शुरू हो जाए। मुझे चाहिए कि मेरे अंडर इन्फ्लुएंस जितने मुलाजमीन हैं, हॉस्पिटल में हैं या घर में हैं, उन सब की स्क्रीनिंग करवाऊँ, पता चले वैक्सीन बी है नहीं है, सी है या नहीं, इलाज है तो शुरू कर दें और बचाव के लिए तदाबीर शुरू कर दें। अगर हर आदमी अपना ये फरीजा अंजाम देता है तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इंडिविजुअली एक महीने में 500 आदमियों को स्क्रीन करवाते हैं, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है, आप 2000 को करवाते हैं, साल में आप 25000 को करवाएंगे, रिश्तेदार बुला लें 30000 में करवाएंगे, आपने अपनी क्लिनिकल लाइफ 20 साल है तो आप कितने लाख लोगों को करवा देंगे। अगर ये तमाम लोग इकट्ठे हो जाएँ तो फिर हम WHO का गोल अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे कि 2030 तक हमें वायरल हेपेटाइटिस को तमाम दुनिया से ख़त्म करना है। तो मैं आखिर में फिर शुक्रिया अदा करूँगा सामी फार्मास्यूटिकल का कि उन्होंने मुझे इस पैगाम के लिए मदू किया, मुझे ऑनर दी। थैंक यू वेरी मच।